काइट की तरफ से फिर लहराया एक बार पश्चिम और लखनऊ में किया गया 10 पदक विजेताओं और 22 विश्वविद्यालय रैंक धारकों का सम्मान। मंगलवार 26 दिसंबर सन 2023 को काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद के मेघावी छात्रों को एकेटीयू लखनऊ में आयोजित 21वें दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई सन 2022 सन 2023 के रैंक धारकों की सूची के अनुसार संस्थान के 22 छात्रों ने विश्वविद्यालय स्तर पर शीर्ष 10 की सूची में स्थान हासिल किया। इसमें बीटेक के 14 छात्र और बी फार्मा के 2 छात्र, एम फार्मा के 3 छात्र और एमबीए, एमसीए और एमटेक के एक एक छात्र शामिल हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इनमें से एक एक करके दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वो आकर के हमारे मेधावी छात्रों को आशीर्वाद दें। मैं सबसे पहले हमारे डीन साहब डॉक्टर आदेश पांडे जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सर आकर के एक बार पीएचडी की डिग्री मिली है। और मेरे सारे मेधावी छात्र और उनके अभिभावकगण, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं आप सबको सभी डिपार्टमेंट्स हेड्स की तरफ से, अपने डायरेक्टर लीडरशिप टीम की तरफ से, एचओडीज की तरफ से और काइट मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आकर के साथ हमारे बच्चों को और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं इनको अपनी तरफ से ब्लेसिंग और मेडलिस्ट स्टूडेंट्स डीन आईटीएस डॉक्टर आदेश पांडे जी, रजिस्ट्रार अनूप जी, मेरे साथी फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे बच्चों, आज का दिन जब आप लोग डिग्री ले रहे थे और मैं वहीं स्टेज पर बैठा हुआ था और आप लोगों को देख रहा था, एज ए आपका टीचर, आपका प्रोफेसर, आपका डीन, आपका डायरेक्टर इंचार्ज, तो ये एक बड़ा गौरवान्वित क्षण था मेरे लिए। और मैं ये चाहूंगा कि ये सिलसिला मेरा आगे भी बना रहे कि हमारे इस बार 10 बच्चे हैं तो हम चाहेंगे अगली बार 11 या 12 या 14 बच्चे जरूर हैं। अब हम यहाँ पे एक एक स्टूडेंट्स को बुला करके एक हम लोगों की स्कॉलरशिप स्कीम है जो हम लोगों आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। डिग्री में अपने डायरेक्टर कॉलेज लास्ट 10 ईयर से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहा है। जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से 50,000 रुपीज का अवार्ड दिया जाता है। जो हमारे सिल्वर मेडलिस्ट हैं उनको हम लोग 40,000 अवार्ड करते हैं। ब्रॉन्ज मेडल के स्टूडेंट्स को 30,000 रुपीज अवार्ड दिया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से। हमारा मैनेजमेंट इतना बड़ा दिल रखता है कि हमारे जो बच्चे हमारे काइट का नाम रोशन करते हैं तो हमारा भी मतलब ड्यूटी बनती है हम उनको याद रखें। मदर फादर जो भी यहाँ पर उनके साथ आए हैं यहाँ पर आकर के अपना अवार्ड और डिग्री यहाँ से लेंगे। साथ में मैं अपने डायरेक्टर साहब से और डीन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आकर के इन बच्चों को डिग्री प्लीज। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच शी गॉट द अवार्ड ऑफ रुपीज 50,000। सामने देखिए सर, अंशिका शर्मा आईटी डिपार्टमेंट गोल्ड मेडल ₹50,000 प्राइस। सिल्वर मेडलिस्ट ब्रॉन्ज मेडल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग गॉट द ब्रॉन्ज मेडल। सेम चीज हमारे आईटी ब्रांच में भी हुआ है जो कि आदेश पांडे सर की देन है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तीनों मेडल हमारे आईटी काय के बच्चों को मिला हुआ है। एमफार्मा क्वालिटी एश्योरेंस गोल्ड मेडल, एमफार्मा क्वालिटी एश्योरेंस सिल्वर मेडलिस्ट, एमफार्मा ब्रॉन्ज मेडल, शी गॉट द अवार्ड ऑफ ₹30,000 अवार्ड की गई है। डॉक्टर सचिन अग्रवाल पीएचडी अवार्डेड इन मैके, डॉक्टर सुरेंद्र केसरी को बहुत बहुत बधाई हो। काइट इंस्टीट्यूट की तरफ से आज उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के गैमनी कंटिनेंटल होटल हजरतगंज में जो आप लोगों का प्रोग्राम चल रहा था वो किस स्तर का प्रोग्राम था? मैं डॉक्टर अनिल अलावत, डायरेक्टर काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ
कि आज हमारे यूनिवर्सिटी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 21वां दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल महोदया ने बच्चों को डिग्री और मेडल्स प्रदान किए। इसमें काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 10 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिले। और इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर एक लखनऊ में एक प्रोग्राम का भी आयोजन किया, जिसमें हम लोगों ने अपने गोल्ड मेडलिस्ट को 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि और सिल्वर मेडलिस्ट को 40,000 रुपये की पुरस्कार राशि और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 30,000 रुपये की पुरस्कार राशि देकर के प्रोत्साहित किया। और इस प्रोग्राम में हमने उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको भी इन्वाइट किया। और ये प्रोग्राम बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर आज मनाया गया। और इसमें गाइड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हर बार इस तरह के प्रोग्राम हर कन्वोकेशन में आयोजित करता है। और मैं ये यहाँ पर ये बड़े प्राउडली ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले विगत लगभग 10 वर्षों से गाइड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो मेडलिस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। इस बार भी 10 मेडलिस्ट हैं काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के, जो कि हाईएस्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर। ये भी मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को दे रहा है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स का इस तरह का एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है। हमारे फैकल्टी मेम्बर्स बहुत हार्डवर्क करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर ये टेक्निकल एजुकेशन वहाँ पर दी जा रही है। सर, काइट इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आज प्रोग्राम चल रहा था, आपके पूरे परिचय के साथ में हम जानना चाहेंगे, हमारी जनता भी जानना चाहती है कि ये किस तरीके का प्रोग्राम था। मेरा नाम डॉक्टर आदेश पांडे है, मैं IT सर्विसेज HOD IT को IT ग्रुप इंस्टीट्यूशंस में, मैं इंस्टीट्यूशन में करीब पिछले 23 साल से सर्व कर रहा हूँ। और आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 सालों में हमारे बच्चे लगातार कॉलेज को गवर्नमेंट कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में जो हमारे रैंक होल्डर्स हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो हाईएस्ट रहते हैं। और हमारा जो छात्रों को जो हम जॉब प्लेसमेंट दे पा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। और हमारे छात्र जो हैं, 20,000 छात्र हमारे कॉलेज से पास हुए, करीब करीब 30 कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों पे, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं। बहुत सारे बच्चे अपना अपनी कंपनी खोले हुए हैं और अपना अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। मैं काइट मैनेजमेंट और अपने डायरेक्टर और अपने HODs की तरफ से सारे जो अभिभावक हैं और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी आज के कार्यक्रम के लिए, जो माननीय उपराज्यपाल महोदय के की अध्यक्षता में जो समारोह हुआ, उसके लिए बधाई देता हूँ। और हमारा जो ये जो कार्यक्रम है, पिछले 5 साल से हम ये कार्यक्रम लखनऊ में करते हैं, सारे छात्रों को बुलाते हैं, जो हमारे मॉनिटर छात्र हैं उनको मेडल मिला है, और जो हमारे जो कुछ फैकल्टी मेंबर जो डिग्री, जिनको PhD की डिग्री की, उनको भी बुलाते हैं, उनके परिवारों को भी बुलाते हैं। और हमारा काइट मैनेजमेंट जनरसली एक स्कीम चलाता है बच्चों के लिए, जो हमारी स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें हम अपने गोल्ड मेडलिस्ट को 50,000 रुपये और हमारे जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं वो 40,000 रुपये और जो हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट वो 30,000 रुपीज़ का कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप रहता है। और हमारे बच्चों का सारा अरेंजमेंट हमारी जो स्टार की टीम है वो करती है। इसमें हम यहाँ ये भी उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो हैं और अभिभावक जो हैं वो कॉलेज प्रशासन को अपने सजेशंस और अपने सुझाव देके जाएं, जिससे हमें बच्चों को और उनके जो उनका जो सोसाइटी के प्रति योगदान है उनको निखारने में और मदद मिले। काइट की तरफ से प्रोग्राम चल रहा था। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार दीक्षित है, मैं काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फार्मेसी डिपार्टमेंट का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जी। आज हमारे यहाँ जिन छात्रों को AKTU के द्वारा मेडल प्राप्त हुए हैं, उन छात्रों के सम्मान में कॉलेज ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है जी। जिसके अंतर्गत कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को, जिन्होंने गोल्ड, कांस्य और रजत पदक धारण किया है, उनको 50,000, 40,000 और 30,000 की धनराशि प्रदान की गई है उनके सम्मान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए। हमारे कॉलेज मैनेजमेंट हमेशा अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए इस तरह के कार्यक्रम विगत वर्षों से लगातार आयोजित करते आ रहा है। हम विश्वास करते हैं कि इस प्रोत्साहित करने वाले सभी कार्यक्रमों से हमारे बच्चे आगे प्रोत्साहित होते रहेंगे और भविष्य में भी हमारे कॉलेज से इस तरह के मेडल्स, छात्रों के द्वारा उत्कृष्ट कार्य और इस तरह की गतिविधियाँ आगे भी होती रहेंगी। आज मुझे AKTU द्वारा पिछले 7 वर्षों से एक रिसर्च के लिए डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई है। मैं अपने कॉलेज मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ जो लैब की उत्कृष्ट व्यवस्थाएँ हैं उसके आधार पर ही मैं अपनी डिग्री को पूरा कर पाया हूँ। साथ ही साथ मैं अपने कॉलेज के प्रबंध अधिकारियों को, अपने प्राचार्य महोदय को, अपने कॉलेज के सभी पदाधिकारियों को और मेरे जो गाइड हैं उनको, मेरे माता पिता को, मैं सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनके आशीर्वाद से, उनके लगातार प्रोत्साहन करने से मुझे आज ये डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है।
मैं अपने रिसर्च को और आगे लेके जाऊंगा और समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि जो कुछ हमें अभी तक मिला है समाज से मिला है, अब समाज को देने की बारी हमारी है। पूरा परिचय देते हुए जो आज काइट की तरफ से स्टूडेंट को यहाँ पे गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल मिला हुआ है, तो आपको किस तरीके का यहाँ पे मेडल मिला है उसके बारे में आप क्या बताएं? My name is Anshika. I completed my Bachelor's of Technology from IT branch from KIET Group of Institutions, Ghaziabad. So I completed my degree successfully, and today it's an honor to me to tell you that it is the 21st convocation ceremony of AKTU University, and I got the gold medal in IT branch. And not even I, the top three medals that we got is from IT branch only, the gold, silver and bronze. Hello, my name is Pallavi Pal. I am KIET Group of Institutions ka part. मैंने के आई टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से बी टेक करा है फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। टुडे आई गॉट अ गोल्ड मेडल। तो ये गोल्ड मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे टीचर्स का भी है, बिकॉज मेरी ब्रांच के तो एच ओ डी हैं डॉक्टर विनीत शर्मा एंड एडिशनल एच ओ डी ऑल्सो, दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया और बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं। उनका नाम भी लेना चाहूँगी जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है टेक्निकल फील्ड में भी और हमारे अकेडमिक्स में भी, हुए अंकुर भारद्वाज जी, वो एक बहुत सपोर्टिव टीचर है। एंड आई आई टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है, वहाँ पर आपको ज़रूर ज़रूर हर चीज़ का सपोर्ट मिलता है। एंड जूनियर सीनियर एवरी वन इज़ सो सपोर्टिव एंड सपोर्टिव एंड सो गुड सो दैट यू कैन गेट एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट इन जस्ट इन अ कॉलेज।